धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके द्वादश के घर के स्वामी मंगल, आपके माइंड के घर के स्वामी मंगल और मंगल शनि युति होने जा रही है आपके लग्न में। सबसे पहले अपने हेल्थ, अपनी तबीयत, अपने आप को वॉच करना शुरू कर दीजिए। अपने प्रेम संबंधों में बिगाड़ होता है तो उसको भी वॉच कीजिए। विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी मैं स्थगित करने को, अगर एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो रुक जाइए। कोई काम से रिलेटेड जा रहे हैं तो खुद भी महामृत्युंजय करते रहिए और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। कोई अगर वीजा वगैरह नहीं लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो 2 मई के बाद आपका काम हो जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसा कोई तकलीफ आती है हेल्थ से रिलेटेड तो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह प्रॉपर कराते रहिए। परिवार वालों का भी ध्यान रखिए, पैसे का भी ध्यान रखिए, अपनी जुबान का भी ध्यान रखिए। पराक्रम से रिलेटेड मतलब कोई उत्साह से रिलेटेड कोई काम करना है और कोई ऐसे लग रहा है कि काम ही नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लीफी वेजिटेबल्स खाइए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए मैं कहूँगी कि आप श्री गणेश की आराधना करते रहिए और मंगलवार के दिन आप जाते रहिए या हनुमान जी के या गणेश जी के मंदिर में। अपने बच्चों को भी प्रेशर मत डालिए पढ़ाई के लिए कि पढ़ना है और रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मंगल शनि युति में, तो वो भी अच्छा नहीं है। और खुद भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर जितना होता है तो उतना ही कीजिए।